BANM brings you the best of Navi Mumbai, from affordable to luxurious. At CREDAI BANM 20th Mega Property Exhibition, interact with huge footfall of over 100 exhibitors. From 13th to 16th May, from 10 a.m. to 8:30 p.m. opposite Citco Exhibition Centre near Vashi Railway Station, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai. बीसवें प्रॉपर्टी एक्सपो में यूनिमैक्स की जो प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा आकर्षण बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यूनिमैक्स के डायरेक्टर निश्चित तहर जी हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के प्रॉपर्टी एक्सपो में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है पेश किए गए हैं और उनकी कीमत क्या है, उसके प्राइस रेंज क्या है और उसकी खासियत क्या है। निश्चित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बार आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी एक्सपो? सर, ऐसा है कि इस बार हम लेके आए हैं पहला घर, जो अपने आप में एक जो सबसे जिसे हम कहते हैं कि मध्यम वर्ग से भी नीचे वाले जो कक्षा के लोग हैं उनके लिए हम घर देने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वन रूम किचन है जो हम सिर्फ 16 लाख रुपए में दे रहे हैं। 1 BHK है जो 25 लाख में दे रहे हैं, 2 BHK आज की तारीख में पूरी नवी मुंबई, तलोजा, पनवेल, कहीं पर भी जाए इससे नीचे या इससे महंगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आप उसी साथ आप देखते हैं उसका एलिवेशन देख लीजिए, 1 एकड़ का लैंड है ये। 1 एकड़ के लैंड में मैंने इतने सारे कोलोब्रेशन इतने प्राइस में बिठा के दिए हैं कि आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से अगर अच्छा कोई प्रोजेक्ट लाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ला पाएगा। पहला घर जो तलोजा घोट गांव में है हमने रखा हुआ है और इस प्रोजेक्ट की लैंड साइज जो है वो 1 एकड़ है। मतलब जनरल आप देखेंगे तलोजा में जितने भी सारे प्रोजेक्ट होंगे शायद या तो मेरे से बड़े होंगे या मेरे से छोटे होंगे। 1 एकड़ में हमने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया जिसमें हमने 1 रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK, ताकि हर एक कैटेगरी के क्लाइंट को हम कैटर कर पाए और अलोंग विद द प्राइस। और यही प्राइस में हम आज की तारीख में जो एलिवेशन और जो फैसिलिटीज और फीचर्स हम दे रहे हैं ये भी अपने आप में यूनिकनेस होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एलिवेशन हमने पूरा का पूरा यूरोप का हमने अडप्ट किया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं 1 रूम किचन का बिल्डिंग अलग है, 1 BHK का बिल्डिंग अलग है और 2 BHK का बिल्डिंग अलग है। तो ये क्या हो जाता है कि हर एक आदमी को अपनी एक प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन हो रही है। इसी के साथ हमने बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिसमें हम सीनियर सिटीज़न आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बिकॉज पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से रियलाइज़ की है कि बिल्डिंग कितना भी अच्छा हो लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड जैसा सिचुएशन अगर आ जाती है तो बिल्डिंग के अंदर क्या है उसके बहुत मायने बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर बच्चों लोग के लिए एक एरिया क्रिएट किया है, उसी के साथ एक सीनियर एरिया जहाँ पर सीनियर सिटीज़न आके बैठ के वॉक कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं, उनका खुद का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हमारी जो बीच की जनरेशन है जो इस घर के एक्चुअल खरीदार होंगे, जो फैमिली अर्निंग मेंबर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमने जिम भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिम के साथ क्या हो जाता है कि आदमी को बिल्डिंग के अंदर होने के बाद सैटरडे हो, संडे हो या ऐसा कुछ भगवान करे ऐसा वक्त ना आए, बट अगर फिर कोविड आ जाता है तो उनके बिल्डिंग के अंदर ही उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी है। ये एक हमारा हो गया सर एक प्रोजेक्ट जो हमने अब इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में हमने लॉन्च किया है। और दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है 98% रेडी प्रोजेक्ट है, साइज कंपेयर टू दिस शायद आधी है, बट इसके ये अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। इसमें हमने शॉपिंग भी दे रखी है, इस एरिया के कम से कम आप समझ के चलिए आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो ये एक अपने आप में एक यूनिक फीचर हो जाता है कि जिसमें आपके खुद की नीचे शॉपिंग हो जाती है और ऊपर हमने रेसिडेंस बनाया। इस रेसिडेंस में भी हमने वही रखा है 18 लाख का 1 रूम किचन, 27 लाख का 1 BHK और 37 लाख रुपीज़ का 2 BHK।
तो कोशिश कर रहे हैं कि सर हम आने वाले समय में या इस जो वक्त चल रहा है जिसमें सबसे छोटे वर्ग और सबसे छोटा आदमी जो है जो अपना घर नहीं खरीद पा सकता उसके लिए हम कुछ कर पाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें, मैंने मतलब इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग लोन करवानी हो या और भी कोई तरीके से करना हो हम करेंगे और यही हमारा कंपनी का मोटो है और यही हम आज से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किस किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो दूसरे 30 या 40 लाख के घरों में उपलब्ध है, क्या उसी तरह का ये डिज़ाइन किया गया, उसी तरह की फैसिलिटी? कुछ चीज़ों में हम उनसे यूनिक उठ के आते हैं, जैसे आप देखेंगे बाकी 30-40 लाख रुपए के घर अगर आप देखते हो तो उसमें अपने आप में उस कॉम्प्लेक्स में खुद का जिम नहीं होता है, प्लेइंग एरिया नहीं होता है। ये जो आज की तारीख में कोविड के बाद जो सबसे बड़ी नीड एक उभर के आई है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में हर एक आदमी को अपनी बिल्डिंग के अंदर गार्डन एरिया, प्लेइंग एरिया और जिम चाहिए, तो वो चीज़ हमने कंपेयर टू बाकी जो हमारे उस एरिया के वेसिनिटी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे हमने अलग करके रखा है कि हमने हमारे ही प्रोजेक्ट में जिम दे दिया जो बाकी को इस बजट के प्रोजेक्ट में नहीं देता है, बिकॉज ये बजट होम कहलाता है। बाकी रहा सवाल अंदर का तो हम ऑलरेडी हमारे एक सैम्पल रेडी हो चुका है, आप हमें आपसे नम्र विनंती कि आप आइए उस सैम्पल फिट का भी विजिट करिए और देखिए कि किस तरीके की क्वालिटी हम प्रोड्यूस डिलीवर करना चाहते हैं। अभी 2 साल तक लॉकडाउन रहा है और ऐसे में ये प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है, तो आपको लगता है कि यूनिमैक्स के जो पहला घर और जो दूसरे हैप्पी होम्स जो प्रॉपर्टी है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में ग्राहकों के लिए, उन ग्राहकों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं? सर आपको पता होगा कि आज भी हमारे देश में 70% से लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी सैलरी लाख रुपये के नीचे है, तो हम इस कोविड को पीरियड को ध्यान में रखते हुए हमने बैठे बैठे यही सोच विचार किया कि हम उन लोगों को घर दें जिनको ज़रूरी है, तो यही सोच के हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो बजट हाउसिंग के नाम पे कहलाया जाएगा और प्योरली बजट हाउसिंग है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ साइजिंग, और उसी के साथ बजट को ध्यान में रखते हुए एक फीचर जो कोविड में ही हमने सीखा है कि हर एक आदमी को एक फीचर अपने कॉम्प्लेक्स में चाहिए हमने देने की पूरी कोशिश की है। आपने कोड नेम दिया है पहला घर, ये पहला घर क्या संकेत देता है, किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे इस पहले घर? सर हम वही कहना चाहते हैं जो हर एक आदमी की इच्छा है कि हमारा पहला घर हो मुंबई शहर में। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनका एक ही सपना रहता है मुंबई में आके कि मेरा खुद का घर हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहला घर ये शब्द का यूज़ करते हैं, हमने कोड नेम रखा है पहला घर। 4 दिन एक्सपो चलने वाला है, तो आप जो बाय होम सीकर्स हैं उनके लिए क्या अपील करना, क्या संदेश देना? मैं होम सीकर्स यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द आए हमारे स्टोर पे विजिट करें और इस एग्जीबिशन में डेफिनेटली हम बाकी दिनों से अच्छा कुछ प्राइसिंग देने की ट्राई कर रहे हैं, तो आए और अपना घर बुक करें। सिर्फ 11,000 रुपये में हम बुकिंग ले रहे हैं यहाँ पे और आप आए, यहाँ से आपको साइड विजिट भी अरेंज करवा दिया जाएगा ताकि अगर कुछ भी इफ्स एंड बट हो तो हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करके इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाते हुए उनको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देके उनका पहला घर उन्हें दे पाए। जैसा कि आपने देखा कि यूनिमैक्स की जो प्रॉपर्टी है तलोजा घोट में बन रही है और सिर्फ 16 लाख में आपको मकान मिल रहे हैं, 18 लाख में 1 BHK, और सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 दिन के एक्सपो में कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं, खास आपके लिए स्कीम चालू की गई है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी तक अपना पहला घर खरीद नहीं पाए हैं। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।